हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भूल तुम्हारे पूर्वजों ने की है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम वो भूल मत दोहराओ। राजा बलि, असुरों का गुरु होने के नाते मेरा जो नाम असुरों के साथ जुड़ा हुआ है, मुझे उस नाम की और असुर शक्ति की जय जयकार चाहिए। पराजय से मुझे उतनी ही चिढ़ है जितनी देवताओं के छल कपट से, जितनी विष्णु के नाम से। महाराज हिरण्यकश्यप के राज्यकाल से लेकर आज तक जिस शक्ति को पाने के लिए मैंने कठोर तपस्या की, आज वो शक्ति मेरे पास है। अब मेरे होते हुए कोई भी असुर मरेगा नहीं। विरोचन के बाद उनके पुत्र बलि सम्राट बने। बलि में असुरों का बल भी था और अपने दादा प्रह्लाद की धर्म भावना भी भरपूर थी। महाराज बलि की जय! 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 जब असुर सम्राट बलि का राज्याभिषेक हो रहा था, तब असुर कुल गुरु भार्गव शुक्राचार्य पुनः तपोबल अर्जित करने के लिए कठोर तपस्या में लीन थे और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव उनके सामने प्रकट हुए। भार्गव, प्रणाम पितामह। तुम्हारी तपस्या सफल हुई। जिस मनोकामना के लिए तुमने इतनी घोर तपस्या की, हम उसे पूरा करेंगे। वर मांगो। पितामह, मुझे संजीवनी मंत्र की सिद्धि का वरदान दीजिए। भार्गव, संजीवनी विद्या और मंत्र से दूसरों का भला होता है, अपना नहीं। अपने भले के लिए कुछ मांगो। विधाता, मैं ऋषि हूं। एक ऋषि के जप, तप, नियम और संयम से प्राप्त सारे फल दूसरों के लिए ही होते हैं, अपने लिए नहीं। इसी प्रवृत्ति के लिए ही तुम असुरों के बीच रहते हुए भी श्रेष्ठ ऋषि बने रहे हो। तुमने जो वर मांगा है उसके लिए तथास्तु। प्रणाम ब्रह्मदेव। पहले से अधिक तपोबल अर्जित कर लिया है। मैं मृत शरीर को फिर से जीवित कर सकता हूं। मैंने वो संजीवनी विद्या और संजीवनी मंत्र प्राप्त कर लिया है जो तीनों लोकों में किसी के पास नहीं है। बधाई हो वत्स। तुम मुझे बधाई दे रही हो या शाप? गंगे, दिखावे के लिए ही सही, अपनी वाणी में प्रसन्नता तो ला सकती हो। ये तुम नहीं बोल रहे वत्स, तुम्हारे मन के भावों का प्रतिबिंब बोल रहा है। तुम सदा यही सोचते हो ना कि तुम्हारी गंगा मैया तुमसे अपने पुत्रों जैसा व्यवहार नहीं करती, अन्यथा अपने संतान की सफलता की प्रसन्नता किस माँ को नहीं होती। मेरे लिए तो तुम भी मेरी ही संतान हो। तो अपनी संतान देवताओं को चेतावनी दे दो, उन्हें बता दो कि मैं कितना बलशाली हो गया हूँ। संतान को बल और शक्ति माँ ही प्रदान करती है। माँ ही संतान को मनोबल देती है। जैसे मूर्तिकार मिट्टी को आकार देकर उसकी सुंदर मूर्ति बना देता है, उसी प्रकार माँ अपने पुत्र को चरित्र रूपी आकार देकर उसे सुपुत्र बनाती है। तुम मुझे सुपुत्र कहोगी या कुपुत्र? संजीवनी विद्या का दुरुपयोग करोगे तो सुपुत्र कैसे कहलाओगे? सुनो गंगे, मैं संजीवनी विद्या का उपयोग असुरों के लिए, केवल असुरों के लिए ही करूंगा। विष्णु ने छल करके समुद्र मंथन से निकले अमृत को केवल देवताओं में बांटकर
असुरों को अमर होने से वंचित कर दिया था। मैं अपनी संजीवनी विद्या के माध्यम से असुरों को अमर बना दूंगा। वत्स, तुम्हारी दृष्टि में क्या ये संजीवनी विद्या का सदुपयोग होगा? ये स्मरण रखो वत्स, किसी भी विद्या का दुरुपयोग न केवल विद्या का, विद्या के साथ साथ उस विद्यापति का भी नाश कर देता है। यही सुनना चाहता था मैं। तुम्हारे शब्दों की आड़ में छिपी चेतावनियों को सुनने का अभ्यास सा हो गया है मुझे गंगे। चेतावनी और सावधानी में अंतर होता है। सावधान तो मैं तुम्हें करता हूँ गंगे। समय आ गया है तुम्हारे स्वर्गलोक को छोड़कर पाताल लोक में आने का, और ये शुभ कार्य मेरे ही हाथों होगा। यशस्वी भव पुत्र। दीदी, आपने भार्गव शुक्राचार्य को यशस्वी भव ऐसा आशीर्वाद क्यों दिया? उमा, भार्गव शुक्राचार्य की विजय में ही मेरा मनोरथ छुपा हुआ है, अर्थात मेरा स्वर्गलोक से नीचे अवतरित होने का समय आ रहा है। समस्त सृष्टि के विकास और कल्याण के लिए मैं भी उतनी ही उत्सुक हूँ जितने भार्गव शुक्राचार्य। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव, अखंड सौभाग्यवती भव, महाराज प्रहलाद के पौत्र विरोचन पुत्र बलि, मुझे खेद है कि असुर वंश रोमणी महाराजा हिरण्यकश्यप ने जो अन्य लोकों में असुरों का कीर्ति ध्वज लहराया था, जिस अपार शक्ति से उन्होंने अपने शत्रुओं के दांत खट्टे किए थे और देवताओं को अपना सर छुपाने के लिए स्वर्ग लोक से भाग जाने के लिए विवश किया था, वो शक्ति, वो कीर्ति, असुरों का वो गर्व आज विलीन हो गया है। गुरुदेव, मैं इसे तुम्हें पूरा करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मुझे कोई उत्तर नहीं चाहिए, उसमें तुम्हारा उतना दोष भी नहीं है। भूल तुम्हारे पूर्वजों ने की है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम वो भूल मत दोहराओ। राजा बलि, असुरों का गुरु होने के नाते मेरा जो नाम असुरों के साथ जुड़ा हुआ है, मुझे उस नाम की और असुर शक्ति की जय जयकार चाहिए। पराजय से मुझे उतनी ही चिढ़ है जितनी देवताओं के छल कपट से, जितनी विष्णु के नाम से। महाराज हिरण्यकश्यप के राज्यकाल से लेकर आज तक जिस शक्ति को पाने के लिए मैंने कठोर तपस्या की, आज वो शक्ति मेरे पास है। अब मेरे होते हुए कोई भी असुर मरेगा नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? आप क्या असुरों को पिलाने के लिए अमृत लाए हैं? यही समझ लो महाराज, यही समझ लो। समुद्र मंथन के समय तो देवताओं ने छल करके असुरों को अमृत पाने से वंचित कर दिया था, परंतु मैं अब बिना छल किए देवताओं को असुरों के हाथों से पराजित होते देखना चाहूंगा। शत्रु के रूप में देवताओं का सामना ऐसे अविनाशी असुर योद्धाओं से होगा जिनका कभी नाश नहीं होगा। नाश नहीं होगा अर्थात? अर्थात असुर सेना जीवित रहेगी। देवता युद्ध में जिस असुर योद्धा को मारेंगे, मैं उसे फिर से जीवित कर दूंगा। यह कैसे संभव है गुरुदेव, कैसे संभव है ये? संजीवनी विद्या से। जो विद्या मैंने स्वयं ब्रह्मा जी से प्राप्त की है। महाराज बलि, तुम त्रिलोक विजेता बनने की तैयारी करो और अपनी सेना को एकत्रित करके स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दो। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जो आज्ञा गुरुदेव, जो आज्ञा। विजयी भव।
नारायण नारायण। प्रणाम मुनिवर। आयुष्मान भव आयुष्मान भव। अरे नृत्य क्यों बंद कर दिया? अप्सराओ नृत्य करती रहो करती रहो, नहीं तो स्वर्ग लोक अधिपति के आनंद विलास में बाधा पहुंचाने के अपराध में राजा इंद्र मुझे ही दंडित कर देंगे। और ये बात भी सत्य है कि जब राज्य में चारों ओर शांति हो, कहीं कोई कोलाहल, कहीं विद्रोह, कहीं अशांति और विस्फोट और युद्ध की आशंका न हो, तो आनंद विलास तो होना ही चाहिए। ये तो राजा और उसके सेनापतियों तथा सभासदों का अधिकार है ना महाराज? हाँ, वो और बात है कि उनके आनंद और विलास में उनके गुप्तचर और राजदूत इतने मस्त हो जाएं कि उनका कर्तव्य निद्रा देवी की गोद में जाकर सो जाए, उन्हें इस बात का भी पता ना चले कि उनका शत्रु कहां सिर उठा रहा है, किसकी सेना आक्रमण करने के लिए स्वर्ग लोक के द्वार की ओर बढ़ती चली आ रही है। सेना किसके भाग्य फूटे हैं जो देवलोक को चुनौती देने आ रहा है? सेनापति जी। महाराज मैं अभी जाके देखता हूं। नारायण नारायण। देवर्षि, इस अंतरिक्ष में ऐसा कोई लोक नहीं जिस पर इंद्र ने विजय ना पाई हो। किसी राजा में इतना सामर्थ्य और शक्ति नहीं जो हमें युद्ध के लिए ललकारे। वो कौन है, वो कौन मूर्ख है जो अपना और अपनी सेना का संहार करवाने स्वर्ग लोक की तरफ आ रहा है? महाराज की जय हो। असुर राज बलि अपनी असुर सेना के साथ आ रहे हैं। तो फिर युद्ध का शंख बजा दो। पराजय का स्वाद इतना भाग गया कि असुरों के बार बार हार जाने के बाद भी फिर अपनी जीवा बाहर निकाले चले आए। देवेंद्र, मेरी ये जीवा तुम्हारे रक्त का स्वाद चखने के लिए आई है। अब स्वर्ग लोक पर तुम्हारा नहीं मेरा राज होगा। मेरा राजा बलि का राज होगा। सावधान, मैं तुम्हें और तुम्हारे इन समस्त देवताओं को पाताल लोक पहुंचाने के लिए आया हूं। आक्रमण Yeah!
गलत हो गया गुरुदेव वनत, मेरी मांग सुनी हो गई, मेरा सुहाग लुट गया गुरुदेव, सुहाग लुट गया। वैद्यराज आप क्या कहते हैं? महर्षि, महाराज की आत्मा शरीर त्याग कर प्रस्थान कर चुकी है। Ha 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 ha